अच्छा, हम ये देखते हैं कि जब कोई यूथ या कोई मुसलमान हमारे इस दौर में जब दीन के करीब आता है तो उसमें काफ़ी रिजिडिटी और एक्सट्रीमिज्म हमें नज़र आता है इनिशियली, और उसमें टॉलरेंस हमें कम नज़र आती है और जजमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है उसकी, इवन उसकी यानी वो अपनी सराउंडिंग से अपनी फैमिली से जो है ना थोड़ा सा हट के हो जाता है, और यानी ठीक भी होता है वो, यानी ऐसा नहीं है कि वो ठीक चीज़ें कह रहा है लेकिन वो इतनी एक्सट्रीम तरीके से उसे प्रेजेंट करता है, इतनी सख्ती से प्रेजेंट करता है, क्योंकि देखें सब लोग एक स्टेज पे नहीं होते, वो दीन के करीब आ गए हैं लेकिन सारे नहीं आते, तो ये क्या वजह है कि जैसे कोई दीन के करीब आता है उसमें रिजिडिटी बहुत आती है, आप इस पर मुझे क्लियरली बताएं। मैं उन लोगों की बात नहीं करूंगा कि जो किसी लेवल पे एरोगेंस में आ जाते हैं, वो भी होती है एक परसेंटेज कि हमें ज़्यादा पता चल गया है, और वट एवर द नॉलेज दैट दे हैव, और व्हेन दे सी पीपल ऑफ नो नॉलेज और लेसर देन देम इन नॉलेज दे हैव टू बोस्ट अबाउट दैट, उन लोगों की मैं बात नहीं करूँगा बिकॉज दैट्स एन ऑबवियस फ्लॉ इन देयर साइकोलॉजी। और आपका सवाल बहुत ज़रूरी है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर यही देखा गया कि दीनदारों का जो इंप्रेशन है ना, वो हाथ में डंडा लेके वो लोगों को हांकने की कोशिश करते हैं। ये बेसिकली उनका ये मतलब नहीं होता कि उनको दीन की समझ आ गई है तो इस वजह से वो सख्त हो गए। टेक्निकली जो उम्मा की जो साइकोलॉजी बनाई गई है ना इस वक्त की, सहाबा इकराम के अंदर जितनी ओपननेस एंड बर्दाश्त का मादा था ना, वो आपको सहाबा की लाइफ को पढ़ के ही पता चलेगा। अल्लाह के नबी सलाम के थ्रू वो डायरेक्टली सीख रहे थे कि लोगों के अंदर पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट डालते कैसे। तो ये जो अभी करंट साइकोलॉजी ऑफ उम्मा है, ये इस कॉल्ड द मनोरिटी सिंड्रोम, ये हर मनोरिटी को होती है दुनिया में। जब हमें ये बता दिया गया कि हम इंफीरियर हो गए तो एक अंदर एक तजब्जुब और गज़ब की कैफियत आ जाती होती है, और फिर क्योंकि मेजॉरिटी का जो जो भी सोच है इस वक्त इस्लाम की सोच तो नहीं है गालिब दुनिया पे, तो उस डर से कि हमारा बच्चा भी उस सोच के ताबे ना आ जाए, तो रादर देन पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट के एक नेचुरल रिफ्लेक्स होता है हर इंसान का। अब मैं साइकोलॉजी की ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, उनका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा आपको, कि हम ना उसको डरा देते हैं कि यहाँ से भी जिन आ जाएगा, वहाँ से भी जिन आ जाएगा, हर वक्त उसको कि कहीं हमारा बच्चा गैर मुस्लिम ना हो जाए या वट एवर कोई शिया ना हो जाए, तो सुन्नी ना हो जाए, जो भी हमारे अपने अपने डर है ना, वो सब बच्चे में डर के रास्ते से हम हदायत और हक पहुँचाने की हरकत करते हैं। बेसिक कॉज ये है, तो चूंकि उसकी प्राइमरी साइकोलॉजी है ना वो फियर बेस्ड क्रिएट हुई होती है, तो जब वो अपनी अय्याशियाँ कर लेता है या कर रहा होता है, या अभी बच्चा होता है या अभी टीनेजर होता है, या इवन 50-year-old पीपल हैव गॉन थ्रू दैट एज वेल, 60-70, कि जैसे ही वो दीन की तरफ आते हैं और दुनिया को हक और हदायत की तरफ लेके आने की कोशिश करते हैं तो गुस्सीले होते हैं और जल्दी में होते हैं और बेसब्री होती है उनके अंदर, और हर चीज़ के ऊपर इंतहाई ज़्यादा आई रेट बिहेवियर होता है उनका, छोटी सी बात के ऊपर भी वो दोजख के फतवे लगाते हैं। तो जिसे कहते हैं ना वो दरगुजर का और हिल्म का मादा वो ख़त्म हो जाता है उनके अंदर से, क्यों? क्योंकि वो दे फॉल बैक टू द साइकोलॉजी ऑफ व्हेन दे वर ट्रेन्ड कि दीन है क्या, और कोई वजह नहीं है इसकी, और भी निजी वजूहत बहुत सारी हो सकती है, मगर प्राइमरी कॉज जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीवन बिकमिंग सो रिजिड इज द वेरी बैकग्राउंड ऑन विच द प्रोफाइल वॉज बिल्ड, साइकोलॉजी जहाँ पे बनाई गई थी बच्चे की। तो जब वो वापस आता है, जब भी जो भी करके रिवर्ट होता है, या फिर वो दाई भी बनता है तो बगैर किसी बेराह रवि का शिकार हुए वैसे भी दावत कर रहा होता है, तो वो क्लासिक मौलवी डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से उम्मत मौलवी को एक एक टेरिफाइंग कैरेक्टर समझती है, वेरी स्केरी कॉन्सेप्ट है मौलवी का, जो कि होना नहीं चाहिए। और बड़े बड़े ऐसे ऐसे उलमा आलिम बैठे हुए हैं जिनके हिल्म की मैं क्या मिसाल दूँ आपको, मगर बहुत आटे में नमक के बराबर है। सो आपकी सही बात और ऑब्जर्वेशन भी ठीक है कि एज सून एज पीपल ट्राई एंड प्रीच इस्लाम, दे प्रीच इट विद अ वेरी वेरी रिजिड शेल अराउंड देम, एंड इट्स वेरी हार्ड टू गो इनसाइड द शेल और टू ब्रेक द शेल और फॉर देम टू एनवेलप ऑल द अदर पीपल इनसाइड देयर शेल, बिकॉज
it's too hard, too strong of a flavor that they give ke bas dozakh se bachane ki jo hai na wo scheme hai. Bahut hi achhi baat hai, dozakh se hi bachana chahiye, magar logon ki natural psychology jo human chemistry hai wo dozakh se aur jannat se इक्वली बैलेंस करनी पड़ेगी आपको. इफ एनीथिंग हम कभी भी उस बंदे का, आपको मैं मिसाल देता हूँ आपको पता चलेगी कि आपके पास दो उस्ताद हैं. एक उस्ताद वो है जो कि आपको डंडे से पढ़ाता है और पास कर देगा और क्या पता टॉप भी करा दे, और एक ऐसा उस्ताद है कि जो बिल्कुल डंडे से नहीं पढ़ाता है, इंतहाई शफकत से पढ़ाता है और हर वक्त मुस्कुराहट रहती है उसकी और सजा का कॉन्सेप्ट ही नहीं है उसके पास, मगर पूरी कोशिश से वो आपको शायद टॉप ना कराए मगर पास जरूर करा देगा. तो आपकी नेचुरल फितरत जो है ना, फितरत वो लेसर गुड की तरफ जरूर चली जाएगी कि यार चाहे मैं टॉप ना करूं मगर मैं उस डंडे की तरफ प्राइमरी फोकस नहीं करूं. माय रिफ्लेक्स इज नॉट गोना मेक मी फेस दैट रिजिड टफ टीचर. इट्स अ नेचुरल साइकोलॉजी, कोई समझता नहीं इस बात को. मगर ये बाशऊर लोगों के लिए मिसाल मैंने दी है, जब वो दावत का काम करें तो वो डंडे को छुपा दें. कई जगहों पे हमें बताना पड़ेगा कि अल्लाह ताला ने जो दोज़ख की जो तख्लीक की उसकी साइकोलॉजी क्या है, मगर ये फर्स्ट इंस्टेंस के ऊपर लोगों को दावत के पैगाम में आग दिखा दिखा के दावत करें तो कौन आएगा आग की तरफ, चाहे वो आग से बचाने वाली बात ही क्यों नहीं है. मगर जैसे ही आप इस वाइब और फ्लेवर के अंदर होंगे तो लोग कतराएंगे आपसे. तो जो बंदे शऊर की उम्र में नहीं है उनको आपने ऐसे ट्रेन करना है कि उनकी बच्चों की बात करूं कि अगर उनकी साइकोलॉजी में शुरू में अल्लाह की मोहब्बत, रहम, रहमानियत, रहीमियत इस अंसर से डाला जाए तो वो जब अपने मौके के ऊपर आएंगे अपनी उम्र के उस हिस्से में तो वो लोगों को मोहब्बत से लेके आएंगे. उनकी प्राइमरी साइकोलॉजी नर्म होगी और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ऐसी ऐसी हदीसें हैं जो दिल नर्म होने के ऊपर हैं कि रहमत के वो सारे दरवाजे नरम दिलों के अंदर से खुलते हैं. कायनात पूरी की पूरी में जितनी भी अल्लाह ने रहमत रखी हुई है वो इन नरम दिल इंसानों के थ्रू चैनल हो रही है इस ज़मीन में. सख्त दिल के थ्रू तो ट्रांसफ़र ही नहीं होती कोई चीज़ बाहर, तो वहाँ तक आती नहीं है, आए भी तो उसी तक रहती, लोगों तक तो नहीं पहुँचती. माँ या बाप, अपनी फैमिली का स्ट्रक्चर, अल्लाह ताला निशानियों पर निशानियाँ दिखा रहे हैं कि हम अपनी फैमिली के लिए क्यों जान देते, क्योंकि हमें रहम मिलता है उधर से, शुरू से हमें प्रोटेक्शन मिलती है रादर देन डंडे पड़ रहे हो. और जितनी मर्जी आपकी फैमिली क्लोज निट हो, रिजिड माँ हो या रिजिड बाप हो, बच्चे नीचे से म्यूटेट कर जाते हैं, वो घर से भागने की प्लानिंग कर रहे होते हैं और एक रिलीफ में होते हैं जब माँ बाप घर पे नहीं होते, सिर्फ इसलिए कि हमारी नेचुरल साइकोलॉजी को नहीं समझते माँ बाप. सो अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़. मैं आपको एक आखिरी मिसाल दे के ये बात ख़त्म करता हूँ ताकि आपको पता चले कितना बड़ा मामला है ये और किस तरीके से होगा. अगर मकसद लोगों का बचाव हो, लोगों को आग से बचाना हो, लोगों की अल्लाह ताला से कुर्बत हो, लोगों को जन्नत में पहुंचाना हो, और आपको मैं दो प्रोजेक्ट्स दूं और आपको कहूं कि कोई सी एक चीज़ चूज़ कर लें, एक इलाके में जाके आपने सिर्फ मोहब्बत, प्यार और इसार, कुर्बानी का पैगाम देना है, ख़ुद ऐसे अमल करके लोगों को माफ़ कर करके मोहब्बत का पैगाम देना है, और दूसरे इलाके में आपने जाके अदल का पैगाम, फेयरनेस का पैगाम देना है, तो आपको मैं मतलब इसके लिए कोई रॉकेट साइंटिस्ट की ज़रूरत नहीं है कि इतना टफ काम है लोगों को अदल और रैशनल के ऊपर फेयरनेस की तालीम दे के आग से बचाना. इतना आसान काम है लोगों को आग से बचाना, सिर्फ लोगों को प्यार, मोहब्बत और आपस में मिला मिला के जोड़ जोड़ के लेके चलना, मगर हम हमेशा फेयरनेस और अदल के उस तराजू ले लेके कर रहे होते हैं. बहुत अच्छी बात है, अदल भी चाहिए, मगर पहले लोग तो चाहिए ना जिनके साथ अदल करना है. लोग आपके पास आएंगे ही नहीं तो क्या आपकी बात सुनेंगे, सुनेंगे नहीं तो क्या अदल की बात उनको समझ आएगी. मकसद अगर अदल हो, इंसाफ हो, दोज़ख से भी बचाना हो, तो रास्ता हमेशा मोहब्बत और नरमी का ही होगा. इंसान की फितरत में नरमी से इतनी बड़ी अट्रैक्शन है कि हम जान की बाजी लगा देते हैं उन लोगों के लिए, उन असातिज़ा के लिए, अपने घर वालों के लिए, कि जो अपने अहबाब के लिए, कि जो हमारे साथ नरमी का रवैया रखते हैं, और हमें फिक्र ही नहीं होती उन लोगों की. हमें कहीं से मतलब उनकी जान पर भी बनी हो तो हमें उनकी फिक्र नहीं होती कि जो लोग हमसे सख्ती का रवैया रखते हैं. सो इट्स अ वेरी वेरी कॉमन सेंस थिंग कि बच्चे की जब परवरिश कर रहे हो तो ये जो नफ़रत का और
सख्ती का और बरहमी का और रिजिडिटी का, करख्तगी का एलिमेंट उस तरीके से पनिश किया जाए घर में, जिस तरीके से कोई फाहश गुफ्तगू करे बच्चा तो उसको थप्पड़ पड़ता है ना, इस तरीके से कोई नफरत वाली बात भी करे ना बच्चा, किसी भी और बच्चे से नफरत आमेज, अनाज परस्ती, कीना परवरी कर रहा हो, उसको उतनी पिटाई करें इस बात पे। ऑफ कोर्स फिजिकली मत मारें, सजा दें उसको, कि किस तरीके से उसको आपको पता चले, उसको पता चले कि नफरत से गंदी कोई चीज़ नहीं है इंसानों के बीच में। किसी भी एक नबी ने किसी भी इंसान से कभी नफरत नहीं की, हमने कौन सा दीन समझ लिया। Every child should be penalized and forbidden with strict measures कि जब वो hatred के पैगाम घर में लेके आए, चाहे वो क्लास फेलो से हो, दुनिया से हो, I don't care किस से हो, हम इंसानों से नफरत नहीं कर सकते। हमारा दीन इंसानों से नफरत नहीं सिखाता, हमारा दीन बुराई से नफरत सिखाता है। वही बुराई जब इतने हम इंसानों से नफरत करते हैं ना, तो वही बुराई जब अपने घर वालों में देखते हैं तो हम अचानक उसको एज अ बुराई देख रहे होते हैं। जब कोई गैर करता है तो वो पूरा का पूरा बंदा ही फारिग कर देते हैं। हम अपने माँ बाप में जब वो बुराई देखते हैं तो बस हम बड़े इंसाफ से करते हैं कि नहीं मेरी मम्मी में बस ये मसला है, बाकी सारी तो जन्नत की खातून है, अबू भी और भाई भी और बहन भी बच्चे भी। मगर कोई और इंसान उसकी 1% भी गलती कर ले तो पूरा का पूरा इंसान ही तो उसकी कर देते हैं कि ये इसके अंदर तो कोई अच्छाई है ही नहीं। सो ये अदल के भी खिलाफ है कि अगर आप सख्ती से और करख्तगी से अपनी दावत कर रहे हो। अदल भी आपको तभी समझ आएगा जब लोगों को भी अपने घर वालों की तरह ट्रीट करेंगे और उनसे भी उसी तरह उल्फत और इसार के साथ काम करेंगे। अव्वलीन और बदतरीन ऐब जो हर भलाई की जड़ काट देता है, कुब्र व फ़ख्र, गुरूर, खुदपसंदी और ताली है। ये एक सरासर शैतानी जज्बा है जो शैतानी कामों के लिए ही मौजूं हो सकता है। खैर का कोई काम इसके साथ नहीं किया जा सकता, इसलिए कि बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है। बंदों में बड़ाई का घमंड एक झूठ के सिवा कुछ नहीं। जो शख्स या गिरोह इस झूठे बंदार में मुबतला हो वो अल्लाह ताला की हर ताई से महरूम हो जाता है, क्योंकि अल्लाह को सबसे बढ़कर यही चीज़ अपनी मखलूक में नापसंद है। उसका नतीजा ये होता है कि इस मर्ज के मरीज़ को कभी राह रास्त की तरफ हिदायत नहीं मिलती, वो पे दर पे जहालतों और हिमाकतों का इर्तिकाब करता है, यहाँ तक कि आखिरकार नाकामी का मुँह देखता है। उसका नतीजा ये भी होता है कि खल्क़े खुदा के साथ बर्ताव में इससे तकब्बुर का जितना जितना इजहार होता जाता है, इतनी ही इसके खिलाफ नफरत पैदा होती चली जाती है, हत्ता कि मबगूज़ खलायक होकर वो इस काबिल ही नहीं रहता कि इसका कोई अखलाकी असर लोगों में कायम हो सके। खैर के लिए काम करने वालों में ये बीमारी कई राहों से आती है। कमज़ोर लोगों में ये उस राह से आती है कि जब इनकी दीनी व अखलाकी हालत गिरदोपेश के माशरे के बनिस्बत किसी हद तक बेहतर हो जाती है और कुछ काबिल खिदमत भी वो बजा लाते हैं, जिनका एतराफ़ दूसरों की ज़बानों से होने लगता है, तो शैतान इनके दिलों में ये वसवसा डालना शुरू कर देता है कि अब तुम वाकई बड़ी चीज़ हो गए हो, और शैतान ही की उकसाहट से वो अपनी ज़बान और अपने तर्ज अमल से जताने पर उतर आते हैं। इस तरह वो काम जिसका आगाज़ नेकी के जज्बे से हुआ था, रफ्ता रफ्ता एक नहायत ही गलत राह पर चढ़ पड़ता है। दूसरा रास्ता उसके आने का ये है कि जो लोग नेकनीयती के साथ एक तरफ अपनी और दूसरी तरफ खलक़े खुदा की इस्लाह के लिए कोशिश करते हैं, उनके अंदर लामुहाला कुछ भलाइयाँ पैदा होती हैं और ये किसी न किसी हद तक अपने माशरे की आम हालत से मुमताज़ होते हैं। कुछ न कुछ उनकी खिदमत काबिल क़दर होती हैं और ये ऐसे उमूर हैं जिन में बहरहाल महसूस हुए बगैर नहीं रहते। यह हमारे वाक़या का एहसास बजाय खुद फितरी और नागुज़ीर है, मगर नफ्स की एक ज़रा सी उकसाहट इसे तकब्बुर और खुदपसंदी में तब्दील कर देती है। फिर बसा अवकात ऐसी सूरतें पेश आती हैं कि जब इनके मुखालिफीन इनके काम और काम से गुजर कर इनकी ज़ात में कीड़े डालने की कोशिश करते हैं तो अपनी मुदाफियात में चंद बातें कहनी पड़ती हैं, जो चाहे बयान वाकई हो मगर अपने मुहासिन के इजहार से खाली नहीं होती। इस चीज़ को एक ज़रा सी बेतदाली जायज़ हद से बढ़ाकर तफाखुर के हदूद में पहुंचा देती है, ये एक ख़तरनाक चीज़ है। दूसरा दर्जा उन खराबियों का है जिसके लिए मौजू तरीन नाम मिजाज की बेतदाली है। नफसानियत के मुकाबले में ये एक मासूम नोयत की कमज़ोरी है, क्योंकि इसमें किसी बदनीयती, किसी बुरे जज्बे, किसी नापाक ख्वाहिश का दखल नहीं होता है। लेकिन ख़राबी पैदा करने की काबिलियत के लिहाज से देखा जाए तो ये नफसानियत के बाद दूसरे नंबर पर आती है। बस औकात इसके असरात व नताज उतने ही ख़राब होते हैं जितने नफसानियत के असरात व नताज।
मिजाज की बेतदाली का फितरी नतीजा नजर फिक्र की बेतदाली और अमल व सही की बेतदाली है, और ये चीज़ ज़िंदगी के हकायक से बराह रास्त मुतसादिम होती है। इंसानी ज़िंदगी बेशुमार मुतजाद अनासिर की मुसालहत और बहुत से मुख्तलिफ अवामिल की मजमूई अमल का नतीजा है। जिस दुनिया में इंसान रहता है उसका भी यही हाल है। इंसानी अफराद में से हर एक फर्द फर्दन फर्दन भी ऐसा ही बनाया गया है, और इंसानों के मिलने से जो इज्तमाही हैयत बनती है इसकी कैफियत भी यही है। इस सारी ज़िंदगी में काम करने के लिए फिक्र नज़र का एक ऐसा तवाज़ुन और सही अमल का ऐसा इतदाल दरकार है जो मिजाज कायनात के तवाज़ुन और इतदाल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हम आहंग हो। हालात के हर पहलू पर निगाह रखी जाए, मामलात के हर रुख को देखा जाए, ज़रूरियात के हर गोशे को इसका हक दिया जाए, फितरत के हर तकाजे को मलहूज रखा जाए, और कमाल दर्जे का मियारी इतदाल चाहे नसीब ना हो मगर यहाँ कामयाबी के लिए बहरहाल इतदाल नागुजी रहे। जितना भी वो मियार से करीब होगा इतना ही मुफीद होगा, और जिस कदर वो इससे दूर होगा उसी कदर ज़िंदगी की हकीकतों से मुतसादिम होकर नुकसान का मौजब बनेगा। दुनिया में आज तक जितना भी फसाद रुनुमा हुआ है और आज रुनुमा है उसी वजह से है कि गैर मुतवाजन दिमागों ने इंसानी मसाइल एक रुखेपन से देखने और समझने की कोशिश की, उनको हल करने के लिए गैर मुतवाजन स्कीमें बनाई और उनको नाफिज करने के लिए गैर मुतदिल तरीक़े इख्तियार किए। यही बिगाड़ का असल सबब है, और बनाओ का जो कुछ भी काम हो सकता है फिक्र नज़र के तवाजुन और तरीक़े अमल के इतदाल ही से हो सकता है। ये वस्फ ख़ास तौर पर तामीर और इसलाह की इस स्कीम को नाफिज करने के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है जो इस्लाम ने हमें दी है, क्योंकि वो बजाय खुद तवाजुन और इतदाल की इंतहाई कमाल का नमूना है। उसको किताबों के सफ़ात से वाकयात की दुनिया में मुंतकिल करने के लिए तो खसूसियत के साथ वही कारफरमा और कारकुन मौजू हो सकते हैं जिनकी नज़र इस्लाम के नक्शे तामीर की तरह मुतवाजिन और जिनका मिजाज इस्लाम के मिजाज इस्लाह की तरह मुतदिल हो। इफराद व तफरीद में मुबतला होने वाले इंतहा पसंद लोग इस काम को बिगाड़ तो सकते हैं, बना नहीं सकते। नतायज के एतबार से बेतदाली का एक नुकसान यह भी है कि वह बिलुमूम नाकामी की मौजिब होती है। निज़ाम ज़िंदगी में इस्लाह व तगैयुर की कोई स्कीम भी लेकर आप उठें, आपकी कामयाबी के लिए सिर्फ ये बात काफ़ी नहीं है कि आप खुद इसके बरहक होने पर मुतमईन हों, बल्कि इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि आप अपने माशरे के आम इंसानों को इसके सही मुफीद और काबिल अमल होने पर मुतमईन कर दें और अपनी तहरीक को इस शक्ल में लाएँ और ऐसे तरीके से चलाएँ जिससे लोगों की उम्मीदें और रगबतें उसके साथ वाबस्ता होती चली जाएँ। ये बात सिर्फ उसी तहरीक को नसीब हो सकती है जो फिक्र नज़र में भी मुतवाजन हो और तरीक़े अमल में भी मुतवाजन। एक इंतहा पसंदाना स्कीम जो इंतहा पसंदाना तरीक़ों से चलाई जाए आम इंसानों में अपने लिए रगबत और उम्मीद पैदा करने के बजाय मोतरिज और गैर मुतमईन बनाती है, और इसकी ये खुद सिफत इसकी कुव्वत तबलीग और कुव्वत नफूस को ज़ाय कर देती है। उसको बनाने और चलाने के लिए कुछ इंतहा पसंद लोग इकट्ठे हो भी जाएँ तो सारे माशरे को अपने जैसा इंतहा पसंद बना लेना और दुनिया भर की आँखें हकायक से बंद कर देना कोई आसान काम नहीं है। खुद इस जमात के लिए भी ये चीज़ जहर का हुक्म रखती है जो इज्तमाही इसलाह व तामीर का कोई काम आसान नहीं है। मिजाज की बेतदाली का वलीन मजहर इंसान के जहन का एक रुखापन है। उस कैफियत में मुबतला होकर आदमी बिलुमुम हर चीज़ का एक रुख देखता है, दूसरा रुख नहीं देखता। हर मामले में एक पहलू का लिहाज करता है, दूसरे किसी पहलू का लिहाज नहीं करता। एक सिम जिसमें इसका जहन एक दफ़ा चल पड़ता है उसी की तरफ वो बढ़ता चला जाता है, दूसरी सिमतों की जानिब तवज्जो करने के लिए तैयार नहीं होता। इससे मामलात को समझने में मुसलसल एक ख़ास तरह का अदम तवाजुन का ज़ुहूर होता है। राय कायम करने में भी वो एक ही तरफ झुकता चला जाता है, जिस चीज़ को अहम समझ लेता है बस इसी को पकड़ बैठता है। दूसरी वैसी ही अहम चीज़ें बल्कि इससे भी अहम चीज़ें इसके नज़दीक गैर वक़ी हो जाती हैं। जिस चीज़ को बुरा समझ लेता है उसी के पीछे पड़ जाता है, दूसरी वैसे ही बल्कि इससे ज़्यादा बड़ी बुराइयाँ इसके नज़दीक काबिल तवज्जो नहीं होती। उसूलियत इख्तियार करता है तो जमूद की हद तक उसूल परस्ती में शिद्दत दिखाने लगता है, काम के अमली तकाजों की कोई परवाह नहीं करता। अमलियत की तरफ झुकता है तो बेउसूली की हद तक अमली बन जाता है और कामयाबी को मकसूद बिज़ात बनाकर इसके लिए हर किस्म के ज़राए व वसाइल इस्तेमाल कर डालना चाहता है। ये कैफियत अगर उस हद पर ना रुक जाए तो आगे बढ़कर यह सख्त इंतहा पसंदी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। फिर आदमी अपनी राय पर ज़रूरत से ज़्यादा इसरार करने लगता है, इख्तलाफ राय में शिद्दत बरतने लगता है, दूसरों के नुक्ते नज़र को इंसाफ के साथ ना देखता है और ना समझने की कोशिश करता है, बल्कि हर मुखालिफ राय को बदतर से बदतर माना पहना कर ठुकराना और जलील करना चाहता है।
ये चीज़ रोज़ बरोज उसे दूसरों के लिए और दूसरों को उसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त बनाती चली जाती है। उस मुकाम पर भी बेतदाली रुक जाए तो खैरियत है, लेकिन अगर इसे खूबी समझ कर मस्जिद परवरिश किया जाए तो फिर मामला बदमिजाजी और चिड़चिड़ेपन और तेज जबानी और दूसरों की नीयतों का शक और हमलों तक पहुंच जाता है, जो किसी इज्तिमाई जिंदगी में निभने वाली चीज नहीं है। एक आदमी यह रविश इख्तियार करे तो ज्यादा से ज्यादा इतना ही होगा कि वह अकेला जमात से कट जाएगा और इस मकसद की खिदमत से महरूम हो जाएगा जिसकी खातिर वह जमात से वाबस्ता हुआ था। इससे कोई इज्तिमाई नुकसान न होगा, मगर जब किसी इज्तिमाई हैयत में बहुत से गैर मुतवाजन ज़हन और गैर मुतदिल मिजाज जमा हो जाएं तो फिर एक एक किस्म का दम तवाजुन एक एक टोली की शक्ल इख्तियार करने लगता है। एक इंतहा के जवाब में दूसरी इंतहा पैदा होती है, एक तरफा शदीद से शदीद तर हो जाते हैं, फूट पड़ती है, धड़ेबंदी होती है और उस कश्मकश में वो काम खराब होकर रहता है जिसे बनाने के लिए बड़ी नीक नीयति के साथ कुछ लोग जमा हुए थे। हकीकत यह है कि जो काम इनफरादी कोशिशों से करने के नहीं होते बल्कि जिनकी नौयत ही इज्तिमाई होती है उन्हें अंजाम देने के लिए बहरहाल बहुत से लोगों को साथ मिलकर काम करना होता है। हर एक को अपनी बात समझानी और दूसरों की बात समझनी होती है। तबीयतों का इख्तलाफ, काबिलियतों का इख्तलाफ, ज़ाती खसूसियात का इख्तलाफ अपनी जगह रहता है, इसके बावजूद सबको आपस में एक मुआफ़िकत का एक ताल्लुक़ पैदा करना होता है जिसके बगैर कोई तआवुन मुमकिन नहीं होता। इस मुआफ़िकत के लिए कसर इंकसार नागुजीर है और ये कसर इंकसार सिर्फ मुतदिल मिजाज के लोगों ही में हो सकता है जिनके ख्यालात भी मुतवाजन हों और तबीयतें भी मुतवाजन। गैर मुतवाजन लोग भी जमा हो जाएं तो ज्यादा देर तक जमा नहीं रह सकते, इनकी जमीयत फट कर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी और जिन टुकड़ियों में तकसीम होकर एक एक किस्म के अदम तवाजुन के मरीज जमा होंगे इनमें फिर तफरुका रोनुमा होगा, यहाँ तक कि आखिरकार एक एक इमाम मुख्तदियों के बगैर ही खड़ा नजर आएगा। जिन लोगों को इस्लाम के लिए काम करना हो और जिन्हें जमा करने वाली चीज इस्लामी उसूल पर निजामी जिंदगी की इसलाह तामीर का करने का जज्बा हो, वलवला हो, उन्हें अपना मुहासिबा करके उसकी बेतदाली की हर मुश्किल से खुद भी बचना चाहिए और उसकी इनकी जमात को भी ये फिक्र होनी चाहिए कि इसके दायरे में ये मर्ज नशोनुमा ना पाए। इस बाब में किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हिदायत उनके पेश नज़र रहनी चाहिए जो इंतहा पसंदी और शिद्दत से मना करती हैं। कुरान जिस चीज़ को अहले किताब की बुनियादी गलती करार देता है वह गुलूफुद्दीन है, या अहले किताब ला तगलूफी दीनिकुम, और इससे बचने की ताकीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुत्तबईन को इन अल्फाज में फरमाते हैं कि खबरदार इंतहा पसंदी में ना पड़ना क्योंकि तुमसे पहले के लोग दीन में इंतहा पसंदी इख्तियार करके ही तबाह हुए हैं। इब्ने मसूद की रिवायत है कि हुजूर ने एक तकरीर में फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बर्बाद हो गए शिद्दत इख्तियार करने वाले मुबालिगे और तामख से काम लेने वाले। दावत मोहम्मदी का इम्तियाजी वस्फ उसके लाने वाले ने यह बताया है, यानी आप पिछली उम्मतों के इफरात और तफरीत के दरमियान वो हनीफियत लेकर आए हैं जिसमें वसाहत और मामलात जिंदगी के हर पहलू की रियायत है। उस दावत के आलमबरदारों को जिस तरीके पर काम करना चाहिए वो इसके दाई अव्वल ने सिखाया है। सहूलत दो, तंग ना करो, बशारत दो, नफरत ना लाओ, और फिर कहा तुम सहूलत देने के लिए भेजे गए हो, तंग करने के लिए नहीं भेजे गए। बुखारी की हदीस है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि रसूल को दो मामलों में से एक के इख्तियार करने का मौका दिया गया हो और आपने इनमें से आसान तरीन को इख्तियार ना किया हो इल्ला ये कि वो गुनाह हो। एक और बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह नरम खो है और हर मामले में नरम रवैये को पसंद करता है। जो नरम खोई से महरूम हुआ वो भलाई से बिल्कुल महरूम हो गया। अल्लाह नरम खो है और नरम खो आदमी को पसंद करता है, वो नरमी पर वो कुछ अता करता है जो शिद्दत पर और किसी दूसरे रवैये पर अता नहीं करता। मुस्लिम। इन जामे हिदायत को मलहूज रखने के साथ इस्लामी निजाम जिंदगी के लिए काम करने वाले लोग अगर कुरान और सुन्नत से अपने मतलब की चीजें छांटने के बजाय अपने मिजाज और नुक्ता नजर को इनके मुताबिक ढालने की आदत डालें तो इनके अंदर आपसे आप वो तवाजुन और तवसुत वह इतदाल पैदा होता चला जाएगा जो दुनिया के हालात व मामलात को कुरान और सुन्नत के दिए हुए नक्शे पर दुरुस्त करने के लिए दरकार है। तंगदिली। बेइतदाली मिजाज से मिलती जुलती एक और कमजोरी भी इंसान में होती है जिसे तंगदिली के नाम से मसूम किया जाता है, जिसे कुरान में शुह नफ्स से ताबीर किया गया है। इसके मुताबिक कुरान कहता है कि फलाह उस शख्स के लिए जो बच गया, वमन युक शुह नफ्सिही फऊलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और जिसे कुरान तकवा और एहसान के बरक से गलत मिलान करार देता है, वह उहज़िरतिल अनफुसुश शुह वइन तुहसिनू वतत्तकू फइन्नल्लाहा काना बिमा तअमलूना खबीरा। उस मर्ज में जो शख्स मुब्तला हो वो अपनी जिंदगी के माहौल में दूसरों के लिए कम ही गुंजाइश छोड़ना चाहता है,
वो खुद जितना भी फैल जाए अपनी जगह उसे तंग ही नजर आती है, और दूसरे जिस कदर भी उसके लिए सुखड़ जाए उसे महसूस होता है कि वो बहुत फैले हुए हैं। अपने लिए वो हर रियायत चाहता है मगर दूसरों के लिए कोई रियायत नहीं कर सकता। अपनी खूबियां उसके नजदीक एक सिफत होती हैं और दूसरों की खूबियां मायने के इत्तेफाकी हादसा। अपने अयूब की उसकी निगाह में काबिल माफी होते हैं मगर दूसरों का कोई ऐब वो माफ नहीं कर सकता। अपनी मुश्किलात का तो वो मुश्किलात समझता है मगर दूसरों की मुश्किलात उसकी राय में महज बहाना होती हैं। अपनी कमजोरियों के लिए जो अलावेंस वो खुद चाहता है दूसरों को वो अलावेंस देने के लिए तैयार नहीं होता। दूसरों की मजबूरियों की परवाह किए बगैर वो उनसे इंतहाई मुतालिबात करता है जो खुद अपनी मजबूरी की सूरत में वो कभी पूरे ना करे। अपनी पसंद और अपना जौक दूसरों पर ठोंसने की कोशिश करता है मगर दूसरों की पसंद और इनके जौक का लिहाज करना जरूरी नहीं समझता। यह चीज तरक्की करती है तो आगे चलकर खुद रहगीरी व ऐबचीनी की शक्ल अख्तियार करती है। दूसरों की जरा सी बातों पर आदमी गिरफ्त करने लगता है और फिर जवाबी ऐबचीनी पर बिलबिला उठता है। उसी तंगदिली की एक और शक्ल जोदरंजी, नकचड़ापन और एक दूसरे को बर्दाश्त ना करना है, जो इज्तमाही जिंदगी में उस शख्स के लिए भी मुसीबत है जो इसमें मुबतला हो और उन लोगों के लिए भी मुसीबत जिन्हें ऐसे शख्स से वास्ता पड़े। किसी जमात के अंदर उस बीमारी का घुसाना हकीकत में एक खतरे की अलामत है। इज्तमाही जद्दोजहद बहरहाल आपस की उल्फत और बाहमी तआवुन चाहती है जिसके बगैर चार आदमी मिलकर भी काम नहीं कर सकते, मगर ये तंगदिली उसके इम्कानात को कम ही नहीं बसा औकात ख़त्म कर देती है। उसका लाजमी नतीजा ताल्लुकात की तलखी और बाहमी मुनाफिरत है। ये दिलों को फाड़ देने वाली और साथियों को आपस में उलझा देने वाली चीज़ है। इस मर्ज में जो लोग मुबतला हों वो आम माशरती ज़िंदगी के लिए भी मौजू नहीं हो सकते, कजा के किसी मकसद अजीम की खिदमत के लिए मौजू करार पा सकें। खसूसियत के साथ ये सिफत उन सिफात के बिल्कुल ही बरस है जो इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी के क़ियाम की जद्दोजहद के लिए मतलूब हैं। वो तंगदिली के बजाय फिराकदिली, बुखल यानी कि कंजूसी के बजाय फयाजी, गिरफ्त के बजाय अफू व दरगुजर और सख्तगिरी के बजाय मुराद चाहता है। उसके लिए हलीम और मुतहम्मिल लोग दरकार हैं। उसका बेड़ा वही लोग उठा सकते हैं जो बड़ा ज़र्फ रखते हों, जिनकी सख्ती अपने लिए और नरमी दूसरों के लिए हो, जो खुद कम से कम अलावेंस चाहें और दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा अलावेंस दें, जो अपने अयूब और दूसरों की खूबियों पर निगाह रखें, जो तकलीफ़ देने के बजाय तकलीफ़ सहने के खुगर हों और चलतों को गिराने के बजाय गिरतों को थामने का बलबूता रखते हों। जो जमात ऐसे लोगों पर मुश्तमिल होगी वो न सिर्फ खुद आपस में मजबूती के साथ जुड़ी रहेगी बल्कि अपने गिर्दोपेश माशरे में बिखरे हुए अज्जा को समेटती और अपने साथ जोड़ती चली जाएगी। इसके बरक्स तंगदिल और कमजफ लोगों का मजमुआ खुद भी बिखरेगा और बाहर भी जिससे इसको साबिका पेश आएगा उसे नफरत दिलाकर अपने से दूर भगा देगा। इसमें जो एक हेल्दी एटीट्यूड है वो ये है कि कबाइर का पूरे एहतमाम के साथ बंदोबस्त किया जाए कि उससे इंसान बिल्कुल पाक हो जाए। फराइज की पूरी अदायगी, मुहर्रमात से इज्तनाब मुतलक, और ये छोटी चीज़ें जो हैं इनके बारे में ना तो ज़्यादा एक दूसरे पर नकीर की जाए, ना एक दूसरे पर गिरफ्त की जाए, ना कुछ इस पर बहुत ज़्यादा जो है अपने दिल के अंदर भी दिल गिरफ्तगी की जाए, बल्कि उनके बारे में तवक्को रखी जाए कि अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। इस्तिग़फ़ार करे भी आदमी, और यही सगाइर है जो नेकियों के ज़रिए से खुद ब खुद भी ख़त्म होते रहते हैं। ये जो आता है कि जो शख्स वुज़ू करता है सही तरीके पर बैठकर इत्मीनान से, तो जब वो हाथ धोता है तो हाथों के गुनाह चढ़ जाते हैं, आँखों में पानी डालता है आँखों का गुनाह चढ़ जाता है, वगैरह वगैरह, तो ये वो सगाइर हैं। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, ये नेकियाँ जो हैं इन बदियों को दूर कर देती हैं। कबाइर माफ़ नहीं होते इससे, नेकियों से जिन गुनाहों की माफ़ी का अस खुद ऐलान है कुरान में वो कबाइर नहीं सगाइर है। कबाइर तौबा के बगैर वो नहीं बख्शे जा सकते, तौबा करनी होगी। और जो अकबरुल कबाइर है शिर्क, उसके बारे में तो दो मरतबा इस सूरत में आएगा इन्नल्लाह ला यग़फिरु अय्युश्रक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिक लिमन यशा, वो हम पढ़ेंगे बाद में। लेकिन एक परवर्टेड किस्म की मजहबी शख्सियत होती है, मजहबी मिजाज परवर्टेड मस्तशुदा, जो कबाइर हैं वो तो हो रहे हैं, सूदखोरी हो रही है, जो कुछ हो रहा है हरामखोरी हो रही है, छोटी छोटी बातों पर नकीर हो रही है, ये पैंचा तुम्हारा नीचे क्यों चला गया है, इसके ऊपर सारी गिरफ्त हो रही है, ये क्या हो गया है, तुम्हारी दाढ़ी जो है शरी नहीं है, इसके ऊपर गिरफ्त हो रही है, ये चीज़ें जो हैं दिस इज़ परवर्स, ये मजहब को मस्त कर देने वाली बात है। कुरान मजीद में इस मामले को तीन जगह पर नकल किया गया है कि ये फ़लसफ़ा जो है कि छोटी चीज़ों के बारे में दरगुजर से भी काम लो और ये कि बहुत ज़्यादा मुतफक्किर भी ना हो।
सेंस ऑफ प्रोपोर्शन होना चाहिए। इन तजतनिबू कबायर अमातुन हौनान, अगर तुम इज्तनाब करते रहोगे उन बड़े बड़े गुनाहों से जिनसे कि तुम्हें रोका जा रहा है, नुकफिर अनकुम सय्यातिकुम, तुम्हारी छोटी बुराइयों को हम खुद ही धोते रहेंगे, पाक करते रहेंगे, साफ करते रहेंगे। जो भी नेक काम करोगे उनके हवाले से वो जो फरोग जाश्ते हैं वो खुद ब खुद भी धुलती रहती हैं। वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और तुम्हें दाखिल करेंगे बहुत ही बाइज्जत जगह पर, जहाँ क्या तुम्हारा मकाम जो है बाइज्जत इकराम के साथ होगा।